हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। कैसे आप सभी लोग? सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट विटामिंस। सो एज वी ऑल नो दैट विटामिंस आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, फॉर द ग्रोथ, फॉर मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ, फॉर प्रिवेंटिंग एनी डिजीज कंडीशंस। यस, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द बॉडी एंड वी नीड टू टेक देम इन अवर फूड। सो लेट अस स्टार्ट। द वर्ड विटामिन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड vita, which means life or which is vital or essential for the life. So vitamins are the organic components in the food that are needed in very small amounts for growth and maintaining the good health. So जो vitamins होते हैं वो क्या है? Organic compounds होते हैं जो हमारे food में available होते हैं बहुत ही small quantity में, है ना, which are required for growth and maintenance of good health. ठीक है, जो सारे विटामिन्स होते हैं वो यूजुअली हमारे फूड में ही प्रेजेंट होते हैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विटामिन्स? विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द डाइट, बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी। जो विटामिन्स वो बॉडी नहीं बना सकती, इसलिए वी हैव टू टेक देम फ्रॉम द आउटसाइड इन आवर डाइट। So we have usually two forms of vitamins, that is water soluble and fat soluble vitamins. So the water soluble vitamins cannot be stored in the body tissue. जो water soluble है, means जो water में soluble हो जाए, है ना, तो उसको हम store नहीं कर सकते body में, because their excess is excreted with urine. तो जैसे जो उसका excess होता है वो क्या होता है, urine के साथ excrete out हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या होता है, बार बार उसे बाहर से लेना पड़ता है फूड की उसमें। देन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज एंड द लिवर। अब फैट सोल्यूबल क्या होता है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो हमारे बाइंड कर जाते हैं फैट के साथ, और वो कुछ टाइम के लिए हमारे जो है एडिपोज टिश्यूज में या फिर लीवर में जो है स्टोर होकर रह सकते। ठीक है, अब जो सिंथेटिक विटामिन होते हैं वो आर आइडेंटिकल टू द नेचुरल विटामिन। मीन सिंथेटिक जो हम बाहर से लेते हैं, विच आर मेड लाइक सप्लीमेंट्स जो लेते हैं, ठीक है, वो यूजुअली जो होता है आइडेंटिकल होते हैं नेचुरल विटामिन से। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विटामिन। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस विच आर द विटामिन प्ले? दे बिल्ड अप रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। सो ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बनाते हैं अगेंस्ट द डिजीज, तो प्रिवेंट करते हैं डिजीज अकरेंस। सो दे प्रिवेंट एंड क्योर वेरियस डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी। कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी होने से, ठीक है, क्या होता है, कुछ डिजीज हो सकता है, तो अगर हम विटामिन प्रॉपरली लेंगे तो वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा और क्योर करेगा वेरियस डिजीज विच आर कॉज्ड बाय देयर डेफिशिएंसीज। सो नेक्स्ट, हमारा हेल्प करेगा इन द डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द एनर्जी। सो यूजुअली क्या होता है, कुछ विटामिन जो होते हैं ना वो अननेसेसरी होते हैं फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टिमुलेट एंड गिव स्ट्रेंथ टू द डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम। सो देर आर सम विटामिंस विच आर एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, जैसे विटामिन B1 हो गया, विटामिन B6 हो गया, विटामिन B12 हो गया। सो दीज आर द विटामिंस विच आर नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, देन नेक्स्ट है हेल्थ प्रोटेक्शन, देन हेल्प मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड नॉर्मल ग्रोथ। तो इन सब में क्या है, विटामिन हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, जो विटामिन होते हैं वो यूजुअली हमारी दो क्लासेस में होते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फर्स्ट इज वाटर सोल्यूबल एंड सेकेंड होता है हमारे पास फैट सोल्यूबल। सो वाटर सोल्यूबल बताया था हमने, जो वाटर में सोल्यूबल होता है और जिनका एक्सेस जो है वो होता है एक्सक्रीट हो जाता है विथ यूरिन, और फैट सोल्यूबल जो होता है कैन बी स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, है ना। तो फैट सोल्यूबल में हमारे क्या कौन कौन से आते हैं, मैंने ऐसे याद किया, आप ऐसे कर सकते हो, ADEK, हेडेक। ठीक है, और वाटर सोल्यूबल में आते हैं हमारे विटामिन बी और सी, मींस नॉन बी कॉम्प्लेक्स, मींस विटामिन सी हो गया और बी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सोल्यूबिलिटी, कि क्या सोल्यूबिलिटी है, किसमें सोल्यूबल हो रहे हैं, उनके बेसिस पे हमारी मेनली दो क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है फैट सोल्यूबल विटामिंस, मींस वो डिजोल्व होता है हमारे फैट में, बिकॉज फैट इज इजीली स्टोर्ड इन द बॉडी,
फैट सोल्यूबल वाइटमिन्स कैन बी ईजिली स्टोर्ड विद इन द फैट, कहाँ का, इन एडिपोज टिश्यूज या फिर इन द लीवर, क्योंकि वो फैट के साथ बाइंड हो जाते हैं और उन फैट के साथ जो होते हैं वो स्टोर हो सकते हैं। नेक्स्ट, दिस मीन्स दे कैन बी सेव्ड फॉर लेटर यूज़। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, वाटर सोल्यूबल तो स्टोर नहीं होते लेकिन फैट सोल्यूबल कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाते हैं बॉडी में। देन एग्जाम्पल हमने देखे थे ए डी ई के आर द फैट सोल्यूबल वाइटमिन्स। नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल वाइटमिन्स। सो वाइटमिन्स दैट डिजॉल्व इन वाटर, बिकॉज अवर बॉडी इज वाटरी एनवायरमेंट, दीज वाइटमिन्स कैन मूव थ्रू अवर बॉडी एंड कैन ऑल्सो बी फ्लश्ड बाय द किडनीज इन यूरिन। ठीक है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, वाटर के साथ बाइंड करेंगे और जो एक्सेस है वो कहाँ से, किडनी क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे यूरिन में। इनमें एग्जाम्पल आते हैं हमारा बी और सी, मीन्स बी कंपोनेंट एंड नॉन बी, जिसमें आता है सी। क्लियर है? सो यहाँ पे डिफरेंस ये है बिटवीन वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। सो जो यूजुअली एब्जॉर्प्शन है वाटर सोल्यूबल का वो डायरेक्टली हमारे ब्लड से होता है, बट फैट सोल्यूबल का होता है लिम्फ के थ्रू। ट्रांसपोर्ट वाटर सोल्यूबल का फ्रीली होता है बट इसमें रिक्वायर्स कैरियर फैट सोल्यूबल में। स्टोरेज जो होता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वाटर सोल्यूबल जो ट्रांसपोर्ट करता है फ्रीली तो वो सर्कुलेट करेगा, फ्रीली स्टोर होगा, लेकिन जो फैट सोल्यूबल है वो स्टोर होएगा विद फैट, वाटर सोल्यूबल स्टोर नहीं होएगा, वो सिर्फ सर्कुलेट करेगा और यूरिन के थ्रू आउट हो जाएगा। एक्सक्रीशन यूरिन में होएगा और जो फैट सोल्यूबल है वो स्टोर रहेगा। टॉक्सिसिटी जो है पॉसिबल विद सप्लीमेंट, जब सप्लीमेंट्स देंगे वाटर सोल्यूबल के तब चांसेस है कि टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, लाइकली विद सप्लीमेंट्स। देन रिक्वायरमेंट क्या होता है वाटर सोल्यूबल का, एवरी 2 to 3 days में चाहिए होता है और फैट सोल्यूबल जो होता है वो एवरी वीक चाहिए होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम हर एक वाइटामिन के बारे में डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है वाइटामिन ई। अब हम सिर्फ इस वीडियो में फैट सोल्यूबल पढ़ेंगे, जो जो कौन कौन सा है, ए डी ई के, और जो हम वाटर सोल्यूबल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो विटामिन ए इज अ ग्रुप ऑफ अनसेचुरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेट इंक्लूड्स रेटिनोल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड एंड सेवरल प्रो विटामिन ए कैरेटिनॉइड्स, अमंग विच बीटा कैरेटोन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स एक्टिव फॉर्म इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स। सो विटामिन ए के हमारे दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है रेटिनोल और दूसरा होता है मेनली बीटा कैरेटोन। जो बीटा कैरेटोन होता है वो सिर्फ हमारे एनिमल्स में प्रेजेंट होता है और जो रेटिनॉल होता है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यूजुअली जो आदमी, जो पर्सन ये एनिमल्स वाले फूड नहीं लेते उनमें बीटा कैरेटोन की डेफिशिएंसीज मिलती हैं। ठीक है, इनका डेली रिक्वायरमेंट मैन एंड वुमेन का है 600 mcg, प्रेगनेंट और लैक्टेशनिंग मदर्स का है 900 mcg, इन इन्फेंट्स का 350 एंड चिल्ड्रन का 600 mcg। क्लियर है? देन डाइटरी सोर्सेज क्या क्या होते हैं विटामिन ए का, वी हैव कैरेट, पपाया, स्क्वैश, ब्रोकली, एप्रिकोट्स, मीट हो गया, ठीक है, फिश हो गया, इनमें मेनली क्या मिलेगा, बीटा कैरेटोन। मैंगोज, एग, चीज, स्वीट पोटैटो, पेपर्स, एवोकाडो, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, इनमें रिच सोर्स होता है विटामिन ए का। देन फंक्शंस क्या होते हैं विटामिन ए के, सो मेन होता है विजन, विजन में हेल्प करता है विटामिन ए। सेकेंड है जीन ट्रांसक्रिप्शन, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द गुड इम्यून फंक्शन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। देन बोन मेटाबॉलिज्म, हिमाटोपोएसिस, स्किन एंड सेलुलर हेल्थ एंड एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी, बट वो कम होता है। ठीक है, सो मेनली हेल्प करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। देन विजन में हेल्प करता है, सपोर्ट अवर इम्यून सिस्टम एंड सपोर्ट द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट है विटामिन डी। सो विटामिन डी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ फैट सोल्यूबल सीकोस्टेरॉइड्स फाउंड इन द लीवर एंड फिश ऑयल्स। ठीक है, मेनली ये जो है इसका रिच सोर्स है और ऑब्टेन बाय इरेडिकेटिंग प्रो विटामिन डी विद यूवी लाइट, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनहांसिंग इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड जिंक। ठीक है, तो जो विटामिन डी होता है वो भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है,
जो कि इसमें जो सीकोस्टीरॉइड्स होता है वो हमारा यूजुअली कहाँ पे मिलता है, लीवर और फिश ऑयल्स में, ठीक है, लीवर कॉड ऑयल सुना है ना, और फिश ऑयल में, तो ये रिच सोर्स है। या फिर प्रो वाइटामिन डी जो है वो कहाँ से मिलता है, यूवी रेज से, बोलते हैं ना सनलाइट से वाइटामिन डी मिलता है, तो कहाँ से, यूवी रेज से, ठीक है, जो किस में हेल्प करता है, फॉर द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ, इंटेस्टाइन से किन किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन कराता है वाइटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड जिंक। अभी हमारा जो वाइटामिन डी है ना वो दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, एक होता है कोली कैल्सीफेरॉल, दूसरा होता है कैल्सीफेरॉल, क्लियर है। नेक्स्ट डाइट्री सोर्सेज क्या होते हैं, सो डाइट्री सोर्सेज फर्स्ट इज सनलाइट या फिर यूवी रेज, इससे कौन से मिलता है, प्रो वाइटामिन डी, ठीक है। देन चीज से, मर्जरीन, बटर, फोर्टिफाइड मिल्क, हेल्दी सीरियल्स या फैटी फिश, ठीक है, इन सब से क्या मिलता है, वाइटामिन डी। डेली रिक्वायरमेंट इनका कितना होता है, इन मैन एंड वुमेन हमारे यूजुअली सब में होता है 0.01 mg, क्लियर है। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ वाइटामिन डी, तो देखो जैसे हमारे प्री वाइटामिन डी है, जब भी यूवी रेडिएशंस काम करेगी वो स्किन पे काम करके वाइटामिन डी में कन्वर्ट करेगी, 25OHDD में कन्वर्ट करेगी, ठीक है, किडनीज में, और लास्ट में हमारा कॉलीकैल्सिफेरॉल बनता है जो कि हमारा कैल्शियम एंड मसल बोन हेल्थ में हेल्प करता है या फिर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर करता है ना, देन हमारे इम्यून फंक्शंस में हेल्प करता है, देन रेगुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। मेन होता है कैल्शियम बैलेंस रखता है वाइटामिन डी हमारा बॉडी में, तो हमारा बोन हेल्थ मेंटेन करता है, बोन हेल्थ मेंटेनेंस में काम करता है, सेल डिफरेंशिएशन या फिर सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, देन इम्यून फंक्शन, इम्यूनिटी फंक्शन अच्छा रखता है, देन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, देन डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टिथ्स, क्लियर। नेक्स्ट हमारा हमने क्या, ए डी ई के था, जिसमें से हमने ए पढ़ लिया, डी पढ़ लिया, नेक्स्ट इज ई। वाइटामिन ई रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट इंक्लूड बोथ टोकोफेरोल्स एंड टोकोट्रिनोल्स, दे आर नेचुरली अकरिंग एंटी ऑक्सीडेंट। तो वाइटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, वाइटामिन डी इज एन एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है। इसके मेन फॉर्म्स हमने दो पढ़े, कौन से, टोकोफेरोल्स और दूसरा क्या है, टोकोट्रिनोल्स। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम एंटी एजिंग फैक्टर भी बोलते हैं। ये येलोइश ऑयली लिक्विड होता है, फ्रीली सोल्यूबल इन द फैट सॉल्वेंट। इसके डाइटरी सोर्सेज क्या होते हैं, ये जो दिए हुए यहाँ पे ये होते हैं इसके डाइटरी सोर्सेज, आमंड्स, बेल पेपर, मस्टर्ड ग्रीन, देन ड्राइड एप्रिकॉट्स, पाइन नट्स, पपाया, ग्रीन ऑलिव्स, कोल्ड प्रेस प्लांट ऑयल्स, सो दीज ऑल आर द डाइटरी सप्लीमेंट्स सोर्सेज ऑफ वाइटामिन ई। नेक्स्ट डाइटरी रिकमेंडेशन कितना है, फॉर मैन 8 to 10 mg, देन वुमेन 5 to 8 mg, चिल्ड्रन 8.3 mg एंड इन्फेंट 4 to 5 mg। अब मेन फंक्शंस क्या होते हैं एंटी वाइटामिन ई के, तो एक तो हमने पढ़ लिया इट इज़ एन एंटी ऑक्सीडेंट और ये क्या है, एंटी एजिंग है, ठीक है। एंटी ऑक्सीडेंट कैसे, किन किन चीज़ों में हम इसको बोल सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट, कैसे, फ्री रेडिकल स्कैवेंजर है, देन प्रोटेक्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन और हेल्प करते हैं सेल ग्रोथ, देन प्रोटेक्ट एलडीएल फ्रॉम ऑक्सीडेशन, देन इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, देन इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स लिपिड्स एंड प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, सो इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। ये भी इसके फंक्शंस है कुछ, इसमें क्या क्या है, इट इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसर, क्यों, क्योंकि ये एलडीएल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑक्सीडेशन, देन इम्यून बूस्टर है, स्किन प्रोटेक्शन, कैंसर प्रिवेंशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हॉर्मोन रेगुलेटर, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे लास्ट आता है फैट सोल्यूबल में इज वाइटामिन के। वाइटामिन के रेफर्स टू ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स द ह्यूमन बॉडी नीड्स फॉर कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स डेट आर रिक्वायर फॉर ब्लड कोएगुलेशन। सो जो वाइटामिन के है वो हमारी बॉडी को
नीड होती है उसकी फॉर द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन प्रोटीन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कोएगुलेशन। सो ब्लड कोएगुलेशन में जो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं या फिर प्रोटीन्स होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए हमारा विटामिन के बहुत नेसेसरी होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो सर्टेन प्रोटीन दैट द बॉडी यूजेस टू मैनिपुलेट द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम इन द बोन एंड अदर टिश्यूज, ठीक है। विटामिन के इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। मतलब आपने देखा होगा ना कि जो विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं हम इन्फेंट्स में जब भी बेबी न्यूबॉर्न को, वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनकी जो इंटेस्टाइन है तब तक वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं होते, इंटेस्टाइन स्टेराइल होती है, वो विटामिन के प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एंड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एनी हेमरेजिक डिजीज वी गिव द विटामिन के। बट एडल्ट्स में क्या होता है, एडल्ट्स में जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया है ना वो हमारा विटामिन के फॉर्म करते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन पीटी एंड अदर फैक्टर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, हैंस इट इज़ नॉन एज एंटी हेमरेजिक विटामिन, क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन और जो अदर जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, विटामिन के जो है दो नेचुरल विटामिन होते हैं वो है के वन को बोलेंगे फाइलोक्विनोन एंड के टू इज मिनाक्विनोन्स, क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? विटामिन के हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग, एसेंशियल टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड्स। नेक्स्ट, पीपल विद विटामिन के डेफिशिएंसी में एक्सपीरियंस इजी ब्रूइसिंग, नोज ब्लीड, ऑल्दो द डेफिसिट ऑफ विटामिन इज रेयर टू अकर। जैसे ही विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी पेशेंट को क्या होगा, ब्रूइसिंग, जहाँ से ब्लीड। अब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर नहीं बन पा रहे, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। द सोर्सेज ऑफ विटामिन के, सोर्स क्या होता है, दीज आर सोर्सेज एग योक्स, होल मीट, रेड मीट एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनिच एंड एस्परजस, क्लियर है। नेक्स्ट, हमने एक टेबल दिया है, समरी टेबल है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा वो सब इस टेबल में है। विटामिन ए में सोर्सेज बताए हैं यहाँ पे, कैरेट, मैंगो, पपाया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड फिश लीवर ऑयल, ठीक है। बेसिक रिंग क्या होता है इसमें, रेटिनोल एक्टिविन, ठीक है। इसका डेली रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया है। देन व्हाट आर देयर बायोलॉजिकल रोल क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन डेफिशिएंसी हमने नहीं पढ़ा, एक बार डेफिशिएंसी हम इस वीडियो में इसमें देखेंगे टेबल में। विटामिन ए की डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस कोज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने बोला था ना कि ये विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ज़ीरोपथैल्मिया, केराटोमलेशिया एंड केराटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलियम, ठीक है। देन विटामिन डी अगर डेफिशिएंसी हो गया तो क्या होता है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। देन विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होता है स्टेरिलिटी, डीजनरेटिव चेंजेस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमने पढ़ा था ये किसके लिए, नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन के वन और के टू की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा और ब्लीडिंग या फिर हेमरेजिक डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, जिक डिजीज होने के चांस ज़्यादा है। सो ये टेबल आप लास्ट में एक बार रीड आउट कर सकते हैं। सो आई होप द फैट सोल्यूबल विटामिंस आर क्लियर टू यू। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड यू इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।